लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस फ्रॉम एग्रियंस अकेडमी देहरादून। हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट प्रदीप यादव फ्रॉम एग्रियंस अकेडमी देहरादून। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर 4 और आज का हमारा टॉपिक है स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग। स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग में आज हम कवर करेंगे इसका पार्ट 2। सो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आज पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। सो गाइस, हमने जो टॉपिक है हमारा स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग, ये हमने शुरू किया था हमारे लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हमने कवर किया था सम बेसिक फीचर्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गार्डन, और उसके साथ साथ हमने कवर किया था इनफॉर्मल गार्डन के टाइप्स, यानी कि इंग्लिश गार्डन और जैपनीज गार्डन। नेक्स्ट हमने कवर किया था वाइल्ड गार्डन हमारे लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कराई थी वाइल्ड गार्डन के बारे में। इतना हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे फॉर्मल गार्डन के टाइप्स के बारे में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि फॉर्मल गार्डन्स के जनरली 4 टाइप हैं। इसके 4 टाइप्स हैं, कौन कौन से? मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, इटालियन गार्डन और फ्रेंच गार्डन। अब इन टॉपिक्स के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक इंक्लूड किया है, उसमें हम कवर करेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ गार्डन। बिकॉज अब हम बात करते हैं अपने DDA SO एग्जाम के लिए, तो इसमें टॉपिक दिया हुआ स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग। अब स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग के नाम पे हमारे दिमाग में दो ही चीजें आती हैं, एक तो फॉर्मल गार्डन, एक दूसरा आता है इनफॉर्मल गार्डन। बट कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं जो आपके है तो गार्डनिंग के ही, बट आपने स्टडी नहीं की है बिकॉज आपने कभी पढ़ा नहीं उसके बारे में। तो आज हम फॉर्मल गार्डन के टाइप्स के अलावा कवर करेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ गार्डन, और उसके साथ साथ हम बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं और जो आपके कहने के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पहले आ भी चुके हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और पहला हमारे पास टाइप है फॉर्मल गार्डन का, मुगल गार्डन। सो गाइस, मुगल गार्डन वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द मुगल एम्परर बाबर। ये पॉइंट नोट करना कि इंडिया में पहली बार मुगल गार्डन की जो शुरुआत हुई वो किसने की है? मुगल एम्परर बाबर ने। और बाबर के बाद इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां और फिर उसके बाद औरंगजेब। तो अब यहां पे आप एक और पॉइंट नोट करो कि जब बाबर ने पहली बार जब इंडिया में मुगल गार्डन की शुरुआत की तो उन्होंने आगरा में आरामबाग की एस्टेब्लिशमेंट की थी। किसकी? दोबारा नोट करना कि बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु इंट्रोड्यूस्ड मुगल गार्डन इन इंडिया एंड ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड आरामबाग एट आगरा। और उसके बाद से ही इंडिया में जो है मुगल गार्डन का चलन स्टार्ट हुआ। इसमें और भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि किसके कार्यकाल में हमने कौन कौन से गार्डन का एस्टेब्लिशमेंट किया। तो फर्स्ट हमारे पास है हुमायूं, जिन्होंने सबसे पहले शेडी ट्रीज का कल्टीवेशन स्टार्ट किया रोड्स के दोनों तरफ, खासकर मुगल गार्डन के लिए। देन अकबर, हु एस्टेब्लिश्ड गार्डन ऑफ फतेहपुर सीकरी। जहांगीर, हु एस्टेब्लिश्ड शालीमार गार्डन ऑफ कश्मीर, इतमादुद्दौला गार्डन एट आगरा एंड दिलकुश गार्डन एट लाहौर। उसके बाद हम बात करते हैं शाहजहां के बारे में, तो आपको बखूबी पता है कि शाहजहां ने ताजमहल की फॉर्मेशन की थी और उसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिश किया चश्मा शाही एट श्रीनगर। एंड देन वी हैव औरंगजेब, हु एस्टेब्लिश्ड औरंगाबाद गार्डन एंड पिक्चर्स इन पिंजौर गार्डन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे आपके मुगल गार्डन के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ मुगल गार्डन। तो सबसे पहला फीचर हमारे पास है साइट एंड डिजाइन। साइट एंड डिजाइन, यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है कि मुगल गार्डन्स आर जनरली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप। अब देखो, हमें पता है कि मुगल गार्डन जो है वो आपके फॉर्मल गार्डन का टाइप है। और फॉर्मल गार्डन क्या होता है? एक ऐसा गार्डन जिसमें जो अरेंजमेंट है वो ज्योमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल है। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि आपका जो गार्डन का जो अरेंजमेंट है, जो आपका प्लांट्स का, फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, वो आपने किसी भी एक ज्योमेट्रिक शेप में अरेंज किया हुआ है। तो इसलिए मुगल गार्डन की जो जनरल कंस्ट्रक्शन है, जो जनरल डिजाइन है, वो बेस्ड है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा फीचर है वॉल्स एंड गेट्स। तो आपको पता है कि वॉल्स और गेट्स जनरली हम लोग किसके बनाते हैं? हम लोग जनरली उसको बनाते हैं प्रोटेक्शन पर्पज के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो आई थिंक इसमें तो ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। अगला फीचर इसमें दिया हुआ है टेरेसिस के बारे में। तो यहां पे 2-3 पॉइंट नोट करने के लिए है। द पैराडाइज हैज 8 डिविजन्स। पैराडाइज का मतलब है कि जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है गार्डन का, उसको हम एक स्वर्ग या हेवन का नाम दे सकते हैं। सो पैराडाइज हैज 8 डिविजन्स। मुगल गार्डन्स में जब हम बात करते हैं टेरेसिस के लिए, तो उनकी मैक्सिमम जो फॉर्मेशन, हम लोग 8 फॉर्मेशन या 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम टेरेसिस की बात करते हैं तो टेरेस एक तरह का प्लेटफॉर्म है, एक के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है। हम उन प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी एक स्पेशल फीचर को एस्टेब्लिश करा सकते हैं।
जैसे किसी टेरेस में आपने आपने मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रखा हुआ है फाउंटेन्स का, आपने किसी में रखा लॉन्स का, किसी में रखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट्स का, ऐसे ही हम एक्स वाई जेड किसी भी एक फीचर को हम उसमें इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। सो जनरली मुगल गार्डन्स में जो है टेरेसेस का डिवीजन वो 8 पार्ट्स के अंदर होता है, ये पॉइंट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है रनिंग वाटर, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नहर। सो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ रनिंग वाटर वॉज बोरोड फ्रॉम द पर्शियंस। द वॉटर कैनाल्स वर पेव्ड विद द टाइल्स और मार्बल्स ऑफ ब्लू कलर टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ। ये पॉइंट आप यहां पे नोट करना, मुगल गार्डन में जो रनिंग वाटर है उसका मेन पर्पज क्या होता है, टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ। किसकी वजह से? हम उसमें ब्लू कलर की टाइल्स लगाएंगे जिसकी वजह से एक डेप्थ का इल्यूजन हमारे पास वहां पे क्रिएट होता है। सो रनिंग वाटर इज द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल गार्डन। क्लियर? नेक्स्ट फीचर वी हैव बरादरी। सो बरादरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द मुगल गार्डन, और बरादरी के ऊपर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कि बरादरी इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन्स। उसका आंसर क्या होगा? मुगल गार्डन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बरादरी? सबसे पहले बरादरी इज एन आर्बर लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है, बट मेड ऑफ स्टोन्स एंड मशीनरी विद ए पक्का रूफ एंड रेज प्लेटफॉर्म फॉर सिटिंग। तो एक तरह का आर्बर लाइक स्ट्रक्चर है। अब बरादरी का मतलब क्या होता है? बारादर, ठीक है, बारादर यानी कि 12 डोर्स या 12 गेट्स या 12 विंडोज बोल सकते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके चार दीवारें होती हैं और चारों दीवार पे हम लोग तीन तीन गेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ 12 गेट्स। इमेज आप सामने देख सकते हैं, तो ये एक आर्बर लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें टोटल 4 वॉल्स या 4 साइड्स हैं, उस पर तीन तीन हमने गेट एस्टेब्लिश किए हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बरादरी। अब ये बनाते क्यों है, इसका मेन पर्पज क्या होता है? सो दीज वर यूजली प्रोवाइडेड विद 12 और ओकेजनली मोर डोर्स ऑन ऑल साइड्स फॉर द एम्परर्स टू वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ डांसिंग। कोई भी परफॉर्मेंस एंजॉय करने के लिए इस बरादरी की फॉर्मेशन की जाती थी मुगल गार्डन के अंदर। ठीक है, तो नोट करना कि बरादरी भी क्या है, आपका एक मुगल गार्डन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट फीचर वी हैव टॉम्ब और मॉस्क्यू। टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा और मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद। आई थिंक दोनों के बारे में आपको पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉस्क्यू। सो आपने कोई भी मुगल गार्डन देखा हो उसमें होता है कि एक गुंबद की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ताजमहल है उसके ऊपर एक गुंबद की फॉर्मेशन की हुई है, अकबर का जो किला है उसमें गुंबद की फॉर्मेशन की हुई है। तो उसमें जो भी हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो भी हम उसमें पैलेस बनाते हैं, उस पैलेस के ऊपर एक गुंबद की स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, तो उसको हमने नाम दिया टॉम्ब और मॉस्क्यू। एंड इट इज ऑफन सेड दैट मुगल गार्डन्स वर एट देयर बेस्ट व्हेन बिल्ट अराउंड ए मॉन्यूमेंट। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट फीचर वी हैव ट्रीज एंड फ्लावर्स। जितने भी हम ट्रीज या फ्लावर्स हम मुगल गार्डन में यूज करते थे, उन सभी ट्रीज का फ्लावर्स का कोई ना कोई पर्पस होता था, कोई ना कोई उसका वो किसी चीज को सिंबल को क्रिएट करते थे। तो फ्रूट ट्रीज आर द सिंबल्स ऑफ लाइफ एंड यूथ, साइप्रस रिप्रेजेंटेड द डेथ एंड एटर्निटी, एंड द फ्लावरिंग एनिमल्स वर रोज, जैस्मिन, कार्नेशन, हॉलीहॉक एंड डेल्फिनियम। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे मुगल गार्डन से रिलेटेड, जिसमें साइट, वॉल्स, टेरेसेस और रनिंग वाटर, ये चार फीचर ऐसे हैं जो आपको हर एक मुगल गार्डन में देखने को मिलेंगे। बट बरादरी और टॉम्ब ये दो एक इसके ऐसे फीचर्स थे जो सिर्फ और सिर्फ मुगल गार्डन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि बरादरी क्या होता है, टॉम्ब और मॉस्क्यू क्या होते हैं और इनकी क्यों इंपॉर्टेंस इसमें दी गई है। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। चलिए अब मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है पर्शियन गार्डन। द पर्शियन स्टाइल एंड द जैपनीज स्टाइल गार्डन बोथ वर बेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव आइडियाज ऑफ हेवन। सो अगर आपको याद हो, हमने अपने लेक्चर 2 में कवर किया था जैपनीज गार्डन के बारे में, जिसका मेन एम दिया हुआ था या मेन उसका आइडिया दिया हुआ था कि जैपनीज गार्डन टोटली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ हेवन। सो उसी बेस के ऊपर पर्शियन गार्डन की फॉर्मेशन की गई है। द पर्शियन स्टाइल वर स्ट्रिक्टली फॉर्मल एंड सिमेट्रिकल बिकॉज इट इज ए टाइप ऑफ फॉर्मल गार्डन। दे यूज ऑल द क्राफ्टेड मटीरियल फॉर गार्डन लाइक मशीनरी, कार्व एंड पियर्स्ड मार्बल स्टोन, हाईली पॉलिश्ड स्टोन। क्राफ्टिंग इसमें जनरली तौर पर की गई थी, और क्राफ्टिंग की वजह से जो पर्शियन गार्डन की जो वॉल्स हैं, जो उसकी दीवार हैं, जो उसके पैलेसेस हैं, उन सब में एक अलग सी ब्यूटिफिकेशन आती है। तो इसलिए क्राफ्टेड मटीरियल जनरली इसमें यूज किए गए थे। यहां पर आपको वर्ड लिखा हुआ है मशीनरी। मशीनरी का मतलब होता है स्टोन वर्क, हिंदी में बात करें तो चिनाई करना, जिसमें हम लोग मिस्त्री के थ्रू उसमें चिनाई करवाते हैं, अलग अलग उसमें हम लोग डिजाइन बनाते हैं दीवारों के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं एक तरह से क्राफ्टेड मटेरियल का यूज करना। क्लियर? नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है पर्शियन गार्डन्स वर लेड आउट बाय द कटिंग टेरेसेस ऑन द हिल स्लोप्स। नेक्स्ट पॉइंट है
कि अगर वहां पर पर्शियन गार्डन में कोई नेचुरल वाटर अगर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम वहां पे आर्टिफिशियली कोई नया वाटर सोर्स क्रिएट करते थे, बिकॉज द मेन स्टे ऑफ पर्शियन गार्डन डिजाइन वॉज नहर फ्लोइंग कैनल। बिकॉज हमें पता है कि पर्शियन गार्डन जो है वो किसी भी हिल स्लोप को कट करके उसमें टेरेसेस बनाए गए हैं, तो जो चीज हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है यानी कि वाटर और टेरेसेस, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम उसको आर्टिफिशियली उसमें क्रिएट करके उसको एक रनिंग वाटर या नहर की उसमें एस्टेब्लिशमेंट करके हम पर्शियन गार्डन को एक अलग सी ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करते थे, बिकॉज उसमें यूज हुआ क्राफ्टेड मटेरियल, देन हिली स्लोप्स भी है, और अगर जहां पे हिली स्लोप्स होगा हम वहां पे जरूर बात करेंगे फ्लोइंग वाटर के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द फ्रूट ट्रीज रिप्रेजेंटेड द सिंबल ऑफ लाइफ व्हाइल साइप्रस सिंबलाइज्ड डेथ एंड एटर्निटी। ये सेम फीचर उसका है जो हमने कवर किया था अभी मुगल गार्डन के बारे में। सो जो ट्रीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे उनका भी अलग अलग यूज होगा, वो किसी खास सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पॉइंट उसके बारे में दिया हुआ है। क्लियर है? अब मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप वी हैव इटालियन गार्डन विच इज ऑल्सो नोन एज रोमन गार्डन, और इसका एक एग्जाम्पल आपके पीछे बैकग्राउंड इमेज में दिख रहा होगा इटालियन गार्डन के बारे में। इटालियन गार्डन केम इन टू एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ रिनाइसेंस। एट द टाइम ऑफ रिनाइसेंस, रिनाइसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण काल, अगर हम हिंदी में बात करें तो, मतलब कि एक ऐसा टाइम जिसमें हमने कुछ खास कलाओं को, कुछ खास प्रतिभाओं को, या बात करें आर्ट या लिटरेचर को, हमने दोबारा से स्टार्ट किया किसी चीज को इन्फ्लुएंस देने के लिए, इंपोर्टेंस देने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिनाइसेंस। अब यहां पे एक और पॉइंट नोट करना कि रिनाइसेंस काल, रिनाइसेंस टाइम कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट होता बिटवीन 14th to 16th century, 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में। सो इस एक पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि इटालियन गार्डन वॉज फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 14th century to 16th century, 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में किसी भी टाइम पे इटालियन गार्डन की इंडिया में जो है फॉर्मेशन हुई थी। सो रिनाइसेंस बेसिकली मीन्स द रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मॉडल्स एट द टाइम ऑफ 14th to 16th centuries, पुनर्जागरण काल हम इसको बोल देते हैं। फीचर के अगर बारे में बात करें तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैसिव फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स जनरली मेड ऑफ मार्बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इटालियन गार्डन। मैसिव फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आप पीछे इमेज में देख सकते हैं, सीढ़ियों का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इन सीढ़ियों को अलग अलग स्ट्रक्चर में लगाना या इनको अरेंज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो इटालियन गार्डन के लिए जरूरी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, देर इज ए सिमिलैरिटी बिटवीन द पर्शियन एंड मुगल गार्डन विद द इटालियन स्टाइल। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला है लेविश पैलेसेस, यानी कि लग्जूरियस पैलेस इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। देन ग्लैमरस आउटडोर हॉल फॉर एंटरटेनमेंट एंड फॉर शोइंग ऑफ देयर वेल्थ एज वेल एज स्टेटस, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। लास्ट पॉइंट पे देखते हैं, द इटालियन गार्डन टॉट ऑल ऑफ यूरोप दैट गार्डनिंग कुड बी द मोस्ट रेस्पेक्टेबल फॉर्म ऑफ आर्ट विच डिमांडेड थ्रू एन केयरफुल स्टडी। यानी कि इटालियन गार्डन की फॉर्मेशन होने के बाद इन्होंने ये संदेश दिया कि जो गार्डनिंग है ये सबसे एक मोस्ट रेस्पेक्टेबल फॉर्म होनी चाहिए किसी भी आर्ट के लिए, किसी भी कला के लिए। सो ये पॉइंट आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि जो इटालियन गार्डन के थ्रू एक मैसेज दिया गया था पूरे यूरोप के लिए। क्लियर है? चलो अब मूव करते हैं आगे। लास्ट हमारे पास टाइप है फ्रेंच गार्डन। सो फ्रेंच गार्डन केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द 16th century बाय द फ्रांस। फ्रेंच स्टाइल ऑफ गार्डन डिजाइन वर ऑल्सो वेरी इंट्रिकेट एंड आर्टिफिशियल। इंट्रिकेट का मतलब होता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जटिल जिसको बोल सकते हैं, और ये काफी आर्टिफिशियल भी था। फ्रेंच गार्डन वर कॉपीज ऑफ द इटालियन स्टाइल, कहीं ना कहीं कॉपी की गई, बिकॉज इटालियन स्टाइल जो है वो फ्रेंच से पहले आया था 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में, और 16th century में फ्रेंच गार्डन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो कहीं ना कहीं फ्रेंच गार्डन ने जो है कॉपी किया कहां से? इटालियन गार्डन से। और अगर बात करें कॉपी करने की तो उन्होंने एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले कॉपी करना स्टार्ट किया था इटालियन गार्डन से। क्लियर? द डिजाइन ऑफ फ्रेंच गार्डन वॉज गिवन बाय ली नॉटर। अब ये पॉइंट नोट करने लायक है बिकॉज ये टॉपिक शुरू करने से पहले ही मेरे पास काफी बच्चों के मैसेज आए थे, ये पर्सनली उन्होंने पूछना स्टार्ट किया कि सर फ्रेंच गार्डन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करना कि फ्रेंच गार्डन का जो डिजाइन है वो सबसे पहले किसने दिया था? ली नॉटर ने। मॉरल ऑफ फ्रेंच गार्डन स्टाइल सीम्स टू टीच द लेसन हाउ टू थिंक बिग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेंच गार्डन का जो मॉरल था कि आप कितना बड़ा सोच सकते हैं, किस बेस में, क्योंकि हमें पता है कि फ्रेंच गार्डन क्या था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था और काफी आर्टिफिशियल था। तो आप जितना आर्टिफिशियल उसको बनाएंगे, जितनी आपकी सोच है, आप उस सोच के अकॉर्डिंग उसको आर्टिफिशियली ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाउ टू थिंक बिग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉरल गिवन बाय द फ्रेंच गार्डन। द स्टाइल ऑफ ली नॉटर कैन बी टर्म्ड एज द इवोल्यूशन एंड मास्टरी ऑफ द आर्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन इन इट्स परफेक्शन। हिज स्टाइल डोमिनेटेड द गार्डन्स ऑफ सिविलाइज्ड यूरोप
फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि थे आपके रिलेटेड फ्रेंच गार्डन से रिलेटेड। अब हम आगे बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ गार्डनिंग इन इंडिया। अब देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज हिस्ट्री भी हमारी गार्डनिंग का ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और हिस्ट्री से आपके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। बाकी हिस्ट्री के जितने भी इंफॉर्मेशन है, मैंने ये यहाँ पे स्लाइड में कवर अप नहीं किया है, मैंने उनको अपने पीडीएफ में कवर किया हुआ है। सो पीडीएफ जो है हमारा अगले लेक्चर में उसको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पे आपके सामने हिस्ट्री के कुछ एक क्वेश्चन शो करूंगा, जिसके बेस पे आपको आइडिया लगेगा कि आपको हिस्ट्री में क्या क्या चीजें और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ रोड साइड एवेन्यू प्लांटिंग, एंड द ऑप्शंस आर किंग बाबर, किंग अकबर, किंग अशोका या किंग सोमवेद। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स को पता होगा जो ये लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि जहां तक आपने पढ़ा हो इसके बारे में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुका है, फादर ऑफ रोड साइड एवेन्यू प्लांटिंग, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे सेंड कीजिए, हमेशा की तरह मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप लोग मुझे इसका आंसर सेंड कीजिए। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपना आंसर लिख के, ए बी सी या डी। अगर आपका आंसर ठीक नहीं हुआ तो मैं आपको इसका आंसर करेक्ट करके दूंगा, और जो स्टूडेंट्स अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो वो इस क्वेश्चन के थ्रू भी हम उसको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच एम्परर और किंग गार्डनिंग इज डेवलप्ड इनटू ए फाइन आर्ट, एंड ऑप्शंस आर किंग अशोका, किंग फदाई खान, किंग। सो अगेन, इसका आंसर भी आप लोग मुझे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइफ एंड सोल ऑफ द गार्डन, एंड ऑप्शंस आर रनिंग वाटर, ग्रास लॉन, फ्लावर्स एंड रॉबरी। विच गार्डन वर एक्सक्लूसिवली मीन्ड टू ब्यूटीफाई द पेटियोज ऑफ लार्ज मेंशंस, पेटियोज का मतलब होता है आंगन। तो इसको ऑप्शंस में आपको शो करता हूं, सबसे पहले इमेज आपके सामने है, पर्शियन गार्डन, इटालियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन या मूरिश गार्डन। आंसर इसका अगर आपको पता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम अगली स्लाइड में इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा। सो हिस्ट्री से कुछ और 2-3 पॉइंट्स हैं, द गार्डन्स ऑफ ग्रीस एंड रोम अश्योर्ड एन इमोशनल सिक्योरिटी थ्रू देयर फॉर्मल स्टाइल, द पर्शियन गार्डन, मूरिश गार्डन ऑफ स्पेन एंड मुगल गार्डन्स वर ऑफ द सेम काइंड एंड वर स्ट्रिक्टली फॉर्मल, सिमेट्रिकल एंड ज्योमेट्रिकल। एग्जाम में अगर मान लो आपसे पूछे कि मूरिश गार्डन कहां का ओरिजिन है, तो मूरिश गार्डन इज फ्रॉम स्पेन, ठीक है। सो पर्शियन गार्डन, मूरिश गार्डन और मुगल गार्डन, तीनों ही सेम तरह के गार्डन है और तीनों ही हमने इंक्लूड किसके अंदर किए हुए हैं, फॉर्मल गार्डन के अंदर किए हैं। द इटालियन रिनाइसेंस, यानी कि जो इटालियन गार्डन का जो कार्यकाल था, गार्डन वॉज हैविंग इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक डिजाइंस, काफी कॉम्प्लिकेटेड उनका डिजाइन था, शील्ड ट्रीज एंड ट्रिम्ड हेजेस एंड एजेस टू क्रिएट अ फॉर्मेलिटी। द इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मलिज्म इन्फ्लुएंस्ड द फ्रेंच एंड ब्रिटिश गार्डन्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ प्रेयरी। प्रेयरी मतलब क्या होता है, प्रेयरी इज एन ए लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड, प्रेयरी मीन्स ए लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड। सो द इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मलिज्म इन्फ्लुएंस्ड द फ्रेंच एंड ब्रिटिश गार्डन्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ए लार्ज ओपन एरिया ऑफ द ग्रासलैंड। द मूरिश गार्डन ऑफ स्पेन ऑल्सो हैड द इम्पैक्ट ऑफ मुगल्स आर्किटेक्चर एंड दे वर फॉर्मल एंड ज्योमेट्रिकल थ्रू मूरिश गार्डन्स वर एक्सक्लूसिवली मीन टू ब्यूटीफाई द पेटियोज ऑफ लार्ज मेंशंस। तो जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था उसका आंसर ये दिया हुआ है कि मूरिश गार्डन्स वर एक्सक्लूसिवली मीन्ड टू ब्यूटीफाई द पेटियोज ऑफ लार्ज मेंशंस। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा, आगे चलते हैं। द हिंदू एंड बुद्धिस्ट गार्डन लेड एम्फेसिस इन फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी, बोथ या नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए कि जो हिंदू गार्डन और बुद्धिस्ट गार्डन थे, उन्होंने किस तरह के गार्डन के ऊपर ज्यादा जोर देना स्टार्ट किया, वो फॉर्मल गार्डन थे, इनफॉर्मल थे, दोनों तरह के थे या कोई भी नहीं थे। तो इसका आंसर आप लोग मुझे सेंड कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद हमारा टॉपिक, स्पेशल टाइप्स ऑफ गार्डन। स्पेशल टाइप्स ऑफ गार्डन आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स, द फर्स्ट वन इज रूफ गार्डन एंड वर्टिकल गार्डन, सेकेंड वन इज वॉटर गार्डन एंड बॉग गार्डन, एंड थर्ड वन इज टेरेरियम। सो गाइज, अब हम यहाँ पे बारी बारी तीनों को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रूफ गार्डन एंड वर्टिकल गार्डन के बारे में। सो व्हाट इज रूफ गार्डन एंड व्हाट इज वर्टिकल गार्डन। एज द नेम इंडिकेट्स, रूफ गार्डन के बारे में, किसी भी घर की छत पे हम उसके स्पेस को यूटिलाइज करके अगर हम उसको गार्डन में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रूफ गार्डन।
उस गार्डन में हम लोग पॉटेड ऑर्नामेंट्स लगा सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, और अगर वहाँ की कंडीशन काफ़ी अच्छी है तो हम वहाँ पे लॉन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो दैट टाइप ऑफ गार्डन इज नोन एज अ रूफ गार्डन। वर्टिकल गार्डन का मतलब क्या होता है, आपको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल इंडिया में काफ़ी एक पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी फेमस जो हो रहा है, आपने सुना होगा, देखा होगा, न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, कि जितने भी फ्लाईओवर्स हैं हम मैक्सिमम फ्लाईओवर्स को कवर करेंगे प्लांट्स के थ्रू। जो फ्लाईओवर्स की जो वर्टिकल वॉल्स हैं और जो उनके पिलर्स हैं, हम उन पिलर्स को कन्वर्ट करेंगे गार्डन के अंदर। सो दैट गार्डन इज नोन एज अ वर्टिकल गार्डन। कोई अगर हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बाहर वाली वॉल्स के ऊपर किसी भी गार्डन को या किसी भी सॉरी प्लांट्स को ग्रो करना, सो दैट इज नोन एज अ वर्टिकल गार्डन। सो दिस इज द स्मॉल एंड वेरी कॉमन डिफरेंस बिटवीन द रूफ एंड वर्टिकल गार्डन। ओके, अब हम बात करते हैं रूफ गार्डन के बारे में। सो रूफ गार्डन इज डेकोरेटेड विद पॉटेड ऑर्नामेंट्स, बोथ फ्लावरिंग एंड फॉलिएज प्लांट्स, एंड दे मे बी अरेंज्ड आइदर सिस्टमेटिकली और मे बी केयरलेसली। ए रूफ गार्डन इज वन विच हैज क्लोज रिजेम्बलेंस विद द गार्डन ऑन द ग्राउंड सरफेस विद वेरियस फीचर्स लाइक लॉन, फ्लावर बेड्स। सो जैसा कि हमने अभी बात किया था कि रूफ गार्डन है, उसका कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है वो किससे मेल खाता है, हमारे ग्राउंड सरफेस के गार्डन से मेल खाता है, जिसके अंदर हम लोग लॉन भी ग्रो कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम फ्लावरिंग बेड्स या हम लोग पॉटेड ऑर्नामेंट्स भी ग्रो कर सकते हैं। सो सेम स्ट्रक्चर विच इज अप्लाइड ऑन द रूफ इज नोन एज द रूफ गार्डन। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन डिफरेंस इज इन स्केल। अगर हम सबसे बड़े डिफरेंस की बात करें तो वो होता है एरिया। रूफ में हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस अवेलेबल होता है, सो उस लिमिटेड स्पेस को हमें कितना गार्डन में कन्वर्ट करना है, तो वो उसका सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। द एरिया मे बी स्मॉल बोथ इन एक्सपेंशन एंड इन हाइट, सो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। सो रूफ गार्डन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, प्राइवेट रूफ गार्डन एंड कोऑपरेटिव रूफ गार्डन। सो फर्स्ट हमारे पास है प्राइवेट रूफ गार्डन। सो नाम से पता लग रहा है, प्राइवेट रूफ गार्डन कोई भी एक ऐसा रूफ गार्डन जिसका ओनर सिर्फ एक पर्सन होता है, इंडिविजुअल उसका ओनर होता है, हम उसको बोलते हैं प्राइवेट रूफ गार्डन। और ऐसे गार्डन हम जनरली देख सकते हैं किसी भी घर की छत के ऊपर, बैंक्स के ऊपर या कोई भी होटल के ऊपर, सो दैट आर नोन एज अ प्राइवेट रूफ गार्डन। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव रूफ गार्डन का मतलब है जिसका जो ओनर है वो एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं। कोऑपरेटिव मतलब एक मिला जुला संगठन। सो दीज गार्डन आर एस्टेब्लिश्ड ऑन मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वेयर द नंबर ऑफ ओनर्स इज मेनी एंड ऑल कैन क्लेम ए शेयर ऑन द रूफ स्पेस, सो दैट टाइप ऑफ गार्डन इज नोन एज द कोऑपरेटिव रूफ गार्डन। सो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है किसके बारे में, रूफ गार्डन के बारे में और वर्टिकल गार्डन के बारे में। अब वर्टिकल गार्डन की इमेज हमारे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि जो विंडोज के बीच में जो स्पेस अवेलेबल है दीवार के ऊपर, हमने उनको प्लांट से कवर किया हुआ है, एंड दैट टाइप ऑफ गार्डन इज नोन एज द वर्टिकल गार्डन। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रूफ एंड वर्टिकल गार्डन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे प्लांटिंग अ रूफ गार्डन। रूफ गार्डन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले है सॉइल, तो उसका पीएच हम मेंटेन करेंगे बिटवीन 6.2 टू 6.8। देन हम यूज करेंगे 1 kg ऑफ ऑयल केक ऑफ नीम, आइदर महुआ और मे बी करंट सीड, 1 kg ऑफ बोन मील एंड 0.05 m³ ऑफ स्मॉल चारकोल बिट्स दैट शुड बी वर्क इन एवरी 10 m² ऑफ न्यूली प्रिपेयर बेड्स। अब देखो यहां पे हमने बात की है ऑयल केक्स के बारे में। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ ऑयल केक और ऑयल केक्स होते क्या हैं? ऑयल केक्स जो हैं वो एक तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं जिसके अंदर मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से ये जो ऑयल केक्स हैं ये काम करते हैं सॉइल बेस्ड पैथोजन और निमेटोड्स को कंट्रोल करने का। क्लियर? इन दोनों को कंट्रोल करने के साथ साथ ये वहां पे जो हमारे पास जो एरिया अवेलेबल है ये उन एरिया में नाइट्रिफिकेशन को भी इनिबिट करने काम करते हैं। सो बेसिकली ऑयल सीड केक्स आर दोज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स विच कंटेन्स बोथ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड ड्यू टू देयर अवेलेबिलिटी वी कैन इजिली कंट्रोल द सॉइल बेस्ड पैथोजन्स एंड निमेटोड्स, एंड एक्सेप्ट दिस वी कैन ऑल्सो इनिबिट द पैथोजन, वी कैन ऑल्सो इनिबिट द नाइट्रिफिकेशन ऑफ सॉइल विच एनहेंस द एफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइडिंग फर्टिलाइजर्स। क्लियर? अब नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन आपका एक एरोबिक प्रोसेस है जो परफॉर्म किया जाता है किसी भी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के ग्रुप के थ्रू, एंड नाइट्रिफिकेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल इन द सॉइल। सो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट काम है ऑयल सीड केक्स के लिए, जिसके थ्रू हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, निमेटोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं और नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लॉन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हमने अभी बात की इसके बारे में, हम फ्लावर बेड्स लगा सकते हैं, हम एजिस लगा सकते हैं, रॉकरी बीच में ग्रो कर सकते हैं, लिली पूल,
फाउंटेन, आर्च, बोवर एंड लाइट हाउस। आर्च का मतलब क्या होता है? आर्च इज बेसिकली एक कर्व्ड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा किसी भी होटल्स की छत पे या किसी भी घर की छत पे एक छोटा सा वुडन स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो शेड का काम करते हैं और पूरे व्यू को एंजॉय करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। सो आर्च इज बेसिकली एक कर्व्ड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। समटाइम्स सन डाइल, एक्वेरियम एंड मिनी जू आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ रूफ गार्डन इफ सम मोर स्पेस इज अवेलेबल। अब एक्वेरियम आपको पता है क्या होता है, आपको मिनी जू पता है क्या होता है। सनडाइल बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं टाइम को डिनोट करने के लिए। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट लगा हुआ होता है जो सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसकी शेडो मूव करती है और हम वहां से टाइम का आइडिया लगा सकते हैं। सो दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द सन डाइल। सो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि फीचर्स क्या होते हैं रूफ गार्डन के, इसके लिए कितनी पीएच रिक्वायरमेंट है और अगर हमने वहां पे ऑयल केक्स को यूज किया है तो वहां पे ऑयल केक्स हम क्यों यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वाटर गार्डन एंड बॉग गार्डन। सो वाटर गार्डन इज प्लांट प्लांटिंग ऑफ एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक प्लांट्स इन एंड अराउंड पूल इज नोन एज द वाटर गार्डन। एक ऐसा गार्डन, नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा गार्डन जो किसी भी पूल के आसपास हम कोई भी एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक प्लांट लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाटर गार्डन। वाटर गार्डन में भी नेचुरल, आर्टिफिशियल और दे में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एक्वेटिक प्लांट नीड्स वेरी लिटिल केयर। However, some species grow very vigorously and need trimming to avoid overcrowding and smothering of weaker species. जो हमारे पास aquatic plants हैं generally काफी नाजुक होते हैं, बहुत उनको little care करने की आवश्यकता होती है, तो हम उसमें generally use करेंगे trimming और smothering. Trimming use क्यों करेंगे? कि जो overcrowding plants हैं, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और जो एक दूसरे को growth में problem create करते हैं, उस overcrowding को रोकने के लिए हम उसमें trimming करेंगे। स्मॉदरिंग का मतलब होता है सप्रेस करना, किसी की ग्रोथ को सप्रेस करना। तो जो वीकर स्पीशीज हैं, वीकर स्पीशीज क्या होते हैं, कई बार वो जो हैवी स्पीशीज है उनकी ग्रोथ को सप्रेस करने काम करती है, उनको ग्रोथ को रोकने काम करती है। सो ऐसी वीकर स्पीशीज जो बड़े प्लांट्स की ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हम उनको स्मॉदर कर सकते हैं, उनको सप्रेस कर सकते हैं। सो दीज टू आर द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस विच वी जनरली यूज इन द वॉटर गार्डन। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट इज Sometimes the water of ponds become green, popularly known as the blanket of weeds, covers the surface and side walls of the pool. आपने देखा होगा किसी भी पानी के अंदर, पूल्स के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर कुछ ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर काई जैसी जमनी स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज द ब्लैंकेट ऑफ वीड्स। ठीक है, जो पूरे सर्फेस को कवर कर लेती है, पूल की वॉल्स को कवर कर लेती है। तो अब क्या होता है कि इन ब्लैंकेट ऑफ वीड्स को, इस लेयर को कम करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम इसमें यूज करेंगे 1 केजी पोटेशियम परमैंगनेट और 120 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। क्लियर पॉइंट समझ आया कि जो हमारे पास जो वाटर गार्डन है, वाटर गार्डन में हम जो एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हम वहां पे ब्लैंकेट ऑफ वीड्स जो ग्रीन लेयर है उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसमें यूज करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट या फिर हम उसमें यूज करेंगे कॉपर सल्फेट। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द वाटर गार्डन। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स सूटेबल हैं वाटर गार्डन को ग्रो करने के लिए। तीन तरह के प्लांट्स जनरली हम यूज करते हैं इसके अंदर, फ्लोटिंग प्लांट्स, ऑक्सीजनेटर्स और उसके साथ हम यूज करेंगे सरफेस फ्लावरिंग एक्वेटिक्स। इन सब के नाम आपके सामने दिए हुए हैं, हम यहां पर डिस्कस करेंगे ऑक्सीजनेटर्स के बारे में। व्हाट आर ऑक्सीजनेटर? सो ऑक्सीजनेटर्स आर बेसिकली दोज एक्वेटिक प्लांट्स विच एनरिच द सराउंडिंग ऑफ वाटर विद ऑक्सीजन। ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो उस वाटर की सराउंडिंग को ऑक्सीजन से फिल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन भरने का काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटर्स। एंड द नेम ऑफ दैट प्लांट्स आर सामने दिए हुए, इलोडिया कैनेडेंसिस एंड वेलिसनेरिया स्पाइरलिस। ठीक है, बाकी नाम भी सामने दिए हुए हैं, आप इनको सिंपली याद कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि वाटर गार्डन में हम कौन कौन जैसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, आइदर देयर फ्लोटिंग प्लांट्स और ऑक्सीजनेटर्स और वो सरफेस फ्लावरिंग एक्वेटिक्स भी हो सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बॉग गार्डन। So, यहां पर जरा नोट करना कि बॉग गार्डन इज ऑल्सो नोन एज द मार्श गार्डन। मार्श गार्डन या मार्शी लैंड आपने नाम सुना होगा। मार्श का मतलब होता है कीचड़ वाला एरिया या दलदल वाला एरिया। तो कोई भी ऐसे प्लांट जो दलदल में ग्रो करते हैं उनके द्वारा डेवलप किया हुआ गार्डन इज नोन एज द बॉग गार्डन और मार्श गार्डन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखो क्या लिखा हुआ इसमें, ए पॉन्ड इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ एनी बॉग गार्डन। इसने बात की पॉन्ड के बारे में कि पॉन्ड जो है वो किसी भी बॉग गार्डन का फीचर नहीं है, बट पॉन्ड किसका फीचर है, वो वाटर गार्डन का फीचर है, बिकॉज हमें वाटर की ज्यादा नीड होती है। अगर यह पॉन्ड फीचर नहीं है तो इसका फीचर क्या होगा, इसका फीचर देखो आगे लिखा हुआ है ओवरफ्लो ऑफ वाटर।
ओवरफ्लो वाटर का मतलब क्या होता है, हमने अभी यहां पे बात की दलदल के बारे में। दलदल में क्या होता है, नीचे कीचड़ होता है और उसके ऊपर एक वाटर की लेयर फ्लो कर रही होती है, थोड़ा सा वाटर ओवरफ्लो कर रहा होता है। तो नीचे तो कीचड़ है, उसमें तो चलो वो प्लांट का ग्रो करने का एक सोर्स हो गया, जो उसके ऊपर वाटर फ्लो कर रहा है, दैट फ्लोइंग वाटर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मार्स गार्डन, बिकॉज वो फ्लोइंग वाटर हमारे उस दलदल को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और उस मॉइस्चर के अंदर हमारे जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं। क्लियर, समझ आया? आपने देखा होगा कई बार जो जहां पे कीचड़ होती है, जहां पे दलदल होता है, उसमें नीचे दलदल है, ऊपर पानी फ्लो कर रहा है, जो पानी ऊपर फ्लो कर रहा है वो उस नीचे दलदल को मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो पानी सूख जाएगा तो आपने ये पॉइंट में नोटिस किया होगा कि वहां पे वो दलदल पूरा सूख के हार्ड हो जाता है, बिकॉज उसमें मॉइस्चर नहीं है। तो इसलिए ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, ओवरफ्लो ऑफ द वाटर। क्लियर, अब आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा डिफरेंस बिटवीन वाटर गार्डन एंड द मार्श गार्डन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, द मेन क्राइटेरियन ऑफ मार्श गार्डन इज टू कीप इट मॉइस्ट एंड इन स्वैम्पी स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है मार्श गार्डन का, हमेशा उसको गीला रखना, मॉइस्चर प्रोवाइड करना और उसको दलदल वाली स्टेट में हमेशा रखना, ताकि ऊपर से वाटर फ्लो करता रहे। और एक पॉइंट यहां पे नोट करना, द साइट ऑफ मार्श गार्डन शुड बी लो लाइंग। मतलब जो सपोज हमारे पास एक जगह वाटर गार्डन है और एक हमारे पास मार्श गार्डन है, तो जो मार्श गार्डन का जो एरिया है, जो उसका लैंड है, वो वाटर गार्डन से थोड़ा नीचे होना चाहिए, बिकॉज जब वाटर गार्डन में से जो एक्स्ट्रा वाटर फ्लो करता है, जो वाटर ड्रेन आउट होगा, वहां से बाहर निकलेगा, तो वो वाटर वहां से बाहर निकलने के बाद हमारे दलदल के ऊपर से ओवरफ्लो करेगा। तो नीचे तो हमारा दलदल है, वहां तो प्लांट ग्रो है, लेकिन जो ऊपर वाटर फ्लो कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा वाटर हमारे उस दलदल को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सो इसलिए द एरिया ऑफ मार्श गार्डन ऑलवेज शुड बी ए लो लाइंग, वेयर द सरफेस ड्रेनेज वाटर विल कलेक्ट नेचुरली। क्लियर, अब प्लांट्स सुइटेबल फॉर मार्श और बॉग गार्डन, कौन कौन से प्लांट्स इसके लिए सुइटेबल हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, स्वैम्प ड्वेलर्स आर दोज प्लांट्स विच रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर। ऑप्शंस 0 to 5 centimeter, 5 to 10 centimeter, 10 to 15 centimeter या 3 to 5 centimeter। इसमें आपको यह बताना है कि जो स्वैम्प ड्वेलर जो प्लांट्स हैं, स्वैम्प ड्वेलर्स का मतलब होता है दलदल में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो स्टैंडिंग वाटर है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आप इसका आंसर दे पाओ तो आप अभी कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं अपना आंसर, बिकॉज हम अगली स्लाइड में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक हम आगे मूव करते हैं। तो सुइटेबल प्लांट्स फॉर मार्स और बॉग गार्डन, इसमें 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं। सबसे लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है, प्लांट्स विच ग्रो अबाउ द सेचुरेटेड सॉइल बट नियर इनफ टू सेंड देयर रूट्स इन सर्च ऑफ वाटर, दे आर एक्वेरस कैलेमस, आयरिस स्पीसीज एंड एलोकेशिया स्पीसीज। और सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपका आंसर दिया हुआ है, प्लांट्स विच लव 5 to 10 centimeter ऑफ स्टैंडिंग वाटर आर टर्म्ड एज अ स्वैम्प ड्वेलर्स। सो जो ऐसे प्लांट्स जो दलदल में रहते हैं, उनके लिए वाटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है 5 to 10 centimeter। सो दीज आर द सुइटेबल प्लांट्स विच आर यूज फॉर ग्रोइंग इन मार्श और बॉग गार्डन्स। क्लियर, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टेरेरियम्स के बारे में। सो टेरेरियम्स, हमने एक छोटा सा डेफिनेशन इसकी लास्ट लेक्चर में कवर की थी, लेक्चर नंबर 3 में, बिकॉज इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। सो टेरेरियम जनरली क्या होते हैं, टेरेरियम्स प्लांटिंग इज ए स्पेशलाइज पार्ट ऑफ होम गार्डन। किसी भी ग्लास जार में प्लांट्स को ग्रो करना इज नोन एज टेरेरियम, कंटेनर में ग्रो करना। सो ए टेरेरियम इज एन अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स टुगेदर इन वन कंटेनर, ऑफन विच अदर थिंग्स लुक लाइक रॉक्स, स्टोन्स और मिनिएचर फिगर्स और आइटम्स। एक ऐसा ग्लास कंटेनर, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट कंटेनर जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, और उसके साथ साथ हम कुछ छोटे छोटे रॉक्स को, स्टोन्स को और मिनिएचर प्लांट्स को ग्रो करते हैं उसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, दैट पर्पज इज नोन एज द टेरेरियम। टेरेरियम वॉज स्टार्टेड बाय नेथेनियल बैगशो वार्ड। ये एक क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था 2017 में, कि टेरेरियम वॉज फर्स्ट टाइम डेवलप्ड बाय सो नेथेनियल वार्ड। द नेम टेरेरियम वॉज केम फर्स्ट आउट बाय पब्लिशिंग ऑफ इस बुक। उनकी बुक का नाम था ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन क्लोजली ग्लेज्ड केसेस। इस बुक में अलग से टेरेरियम के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। तो ये जो नाम है, जो हमारे पास जो टेरेरियम है, ये सबसे पहले इस बुक से उठाया हुआ है। द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश इन 1842 एंड सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश इन द ईयर 1852। मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर टेरेरियम्स आर फाइन ग्रेवल और कोर सैंड, चारकोल चिप्स, सिंथेटिक फाइबर और ए स्क्रीन विच एक्ट एज ए सॉइल सेपरेटर एंड पॉटिंग मिक्स अप्रोप्रिएट टू द प्लांट्स आर यूज्ड। कंटेनर्स इसके लिए यूज करेंगे, कोई भी ग्लास कंटेनर है, कोई भी फिश बाउल है, कोई भी एक्वेरियम है जो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, हम वो कोई भी कंटेनर इसमें यूज करेंगे। सो बेसिकली टेरेरियम्स आर दोज स्ट्रक्चर, दोज होम गार्डनिंग स्ट्रक्चर जो एक ग्लास कंटेनर में यूज करेंगे, उसमें प्लांट्स हम यूज कर सकते हैं
उन प्लांट्स के साथ उस ग्लास कंटेनर को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसमें रॉक्स का, स्टोन्स का, ग्रेवल्स का, सैंड का, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो उस प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। क्लियर? सो दिस इज द टेरेरियम। सॉइल मिक्स और एडिटिव्स टू मेक द सॉइल टू होल्ड मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। स्टेरिलाइज्ड पीट मॉस बेस्ड वर्मिकुलाइट और पेरलाइट आर यूज्ड। सो वर्मिकुलाइट आई थिंक सबको पता होगा वर्मिकुलाइट क्या होते हैं। सो हम इसमें पीट मॉस और वर्मिकुलाइट यूज करेंगे एंड देयर शुड एन इनिशियल लेयर ऑफ ग्रेवल्स फॉर ड्रेनेज। एड चारकोल टू अब्सॉर्ब ऑडर। यूज सैंड इन डेजर्ट टेरेरियम एंड लाइमस्टोन कैन ऑल्सो बी यूज स्पेशली फॉर द डेजर्ट टेरेरियम्स। लोकेशन की बात करें, सो इफ सनी प्लेस सक्यूलेंट्स में वर्क बेस्ट। अगर हमने टेरेरियम को प्लेस किया हुआ है सनी एरिया के अंदर तो हम उसके अंदर कुछ सक्यूलेंट प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। सक्यूलेंट समझते हो ना क्या होते हैं सक्यूलेंट? इमेज देख लो यहां पे सक्यूलेंट्स, दीज आर द सक्यूलेंट्स। तो सनी प्लेस में हम इन प्लांट्स को यूज करेंगे। अब इनको यूज क्यों करते हैं? बिकॉज सक्यूलेंट इज ए वाटर रिटेनिंग प्लांट दैट डज वेल इन एरिड कंडीशंस। फॉर एग्जांपल जेड प्लांट, क्रिसमस कैक्टस, सेडम, ये सबसे ज्यादा वाटर रिटेन का काम करते हैं सक्यूलेंट, तो इसलिए हम इसको सनी प्लेस में यूज करेंगे। इफ हैव ए लॉट ऑफ शेड एंड मॉइस्चर, अगर बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन हमारे पास है, मॉइस्चर है और शेडी कंडीशन है, तो हम उसमें यूज करेंगे फर्न्स एंड मॉसेस। और फर्न्स की इमेज आपके सामने है, बखूबी आपने देखा होगा फर्न्स क्या होते हैं। सो दीज फर्न्स, दीज प्लांट्स आर यूज्ड इन द शेड एंड मॉइस्चर कंडीशंस। चलिए अभी आगे चलते हैं। नाउ टेरेरियम टूल्स जो इसमें यूज होंगे, सबसे पहले ट्वीजर्स एंड लॉन्ग स्टिक्स विच आर यूज टू डिग होल्स इन द ग्लास कंटेनर। ए लॉन्ग थिन स्पून विच इज यूज इन प्लेसिंग द सॉइल एंड ड्रेनेज मटीरियल। हाउस होल्ड सीजर्स फॉर प्रूनिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एन एटमाइजर और बल्ब टाइप स्प्रेयर विच इज यूजफुल फॉर स्प्रेइंग एंड वाटरिंग प्लांट्स इन टेरेरियम। एंड लास्ट वन इज ए स्टिक विद वायर लूप ऑन द एंड विच इज यूज फॉर लोअरिंग प्लांट्स इनटू लार्ज टेरेरियम्स विद स्मॉल टॉप्स। इनकी इमेज मैं आपको शो कर देता हूं बेटर तरीके समझने के लिए। सो दीज आर द ट्वीजर्स एंड थिन स्पून एंड दीज आर द बल्ब टाइप स्प्रेयर विच आर यूज फॉर द टेरेरियम्स। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ टेरेरियम। सो जनरली हमारे पास पांच तरह के टेरेरियम है। सबसे पहले अपसाइड डाउन, नेक्स्ट वन इज जार टेरेरियम, मॉस टेरेरियम, देन वी हैव डेजर्ट थीम टेरेरियम। इमेज देख सकते हैं डेजर्ट के लिए, जो हमारे पास ग्लास कंटेनर होगा हम उसमें एक डेजर्ट वाली कंडीशन क्रिएट करते हैं। सो दैट इज वाई दे आर नोन एज अ डेजर्ट थीम टेरेरियम्स। कोई भी ग्लास कंटेनर हो हम वहां पे बल्ब का भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी ग्लास कंटेनर है हम उसमें कोई भी टेरेरियम का टाइप ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ डेजर्ट टेरेरियम। एंड लास्ट वन वी हैव कार्निवोरस टेरेरियम्स। सो दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ टेरेरियम विच आर जनरली यूज्ड फॉर। सो दिस इज अपसाइड डाउन टेरेरियम एंड दीज टू आर द इमेज ऑफ एपोथिकेरी जार टेरेरियम्स। दीज आर मॉस एंड दीज आर द कार्निवोरस प्लांट टेरेरियम। सो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा टेरेरियम क्या होते हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स हैं इन पांचों टाइप्स के बारे में, वो मैंने अपने पीडीएफ में डाल दिया है। तो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको अपनी अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके इनकी पूरी डिटेल आप वहां से रीड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अभी हम चलते हैं आगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है हमारे गार्डनिंग के हिस्ट्री वाले पोर्शन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हिंदू गार्डन राजावनम इज मीन फॉर द मिनिस्ट्रीज एंड क्वालिटीज ऑफ किंग्स। एंड ऑप्शन आर प्रमोदोद्यान, उद्यान, ऑप्शन सी वृक्ष वाटिका एंड ऑप्शन डी इज अशोका वनम। सो इनमें से ऐसा कौन सा हिंदू टाइप गार्डन है विच आर यूज फॉर मिनिस्ट्री एंड कोर्ट्स? इसका आंसर है ऑप्शन सी वृक्ष वाटिका। क्लियर? अब प्रमोदोद्यान क्या होता है? इट इज ए प्राइवेट गार्डन फॉर किंग एंड क्वीन। उद्यान इज ए गार्डन वेयर किंग्स पास देयर लीजर टाइम इन प्लेइंग चेस, एंजॉइंग डांस एंड लिसनिंग म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच गार्डन इज कंसिडर्ड एज ए प्लेस फॉर रॉयल लेडीज? ऑप्शन ए अशोका वनम, ऑप्शन बी वृंदावनम, ऑप्शन सी तपोवनम एंड ऑप्शन डी इज नंदवनम। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए अशोका वनम। वृंदावनम इज बेसिकली यूज फॉर प्लेस ऑफ एटर्नल ब्लिस। तपोवनम इज बेसिकली मीन्ड फॉर सेजेस एंड हर्मिट्स। एंड नंदवनम इज स्मॉल गार्डन विच इज एस्टेब्लिश अराउंड द विलेज टेम्पल्स। सो तीनों की अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सो अशोकावनम इज जनरली कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ रॉयल लेडीज। नेक्स्ट विच ट्री वर कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ फर्टिलिटी ड्यूरिंग द इंडस एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन? बनियान ट्री, मैंगो ट्री, अशोका ट्री एंड कचनाल ट्री। आंसर है ऑप्शन ए बनियान ट्री।
56 पॉट्स थे वो डेकोरेट किए जाते थे किसके थ्रू, पीपल, मैंगो एंड नीम्स के थ्रू, ठीक है। द ट्रीज ऑफ पीपल नोन एज फाइकस रेलिजियोसा एंड बनियान ट्री नोन एज फाइकस बेंगलेंसिस सर्वड मैनकाइंड एंड वर कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। तो पता लगा सिंबल ऑफ फर्टिलिटी के लिए दो ट्री का यूज किया हुआ है, पीपल एंड बनियान ट्री। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।